वेलकम टू हर फॉर प्रोजेक्ट ऑफ कॉन्सेप्ट सॉल्यूशंस। आज का जो हमारा टॉपिक है वो कंटिन्यूएशन है हीट कैपेसिटी टॉपिक का। हमने एक फार्मूला पढ़ा था, डेल्टा क्यू इज इक्वल्स टू एम सी डेल्टा टी। दिस इज़ द एनर्जी जो हमें चाहिए होती है एक मखसूस मास ऑफ बॉडी को उसका टेम्परेचर रेज करने के लिए फ्रॉम टी वन टू टी टू या किसी भी एक टेम्परेचर 0 से लेकर 100 डिग्री तक, ये वो हीट होती थी। इस हीट को हमने कोई नाम नहीं दिया था, सिंपली हमने कह दिया था ये हीट है, लेकिन इस लेक्चर में हम इसको एक नाम देंगे जिसको सेंसिबल हीट कहा जाता है, यानी कि वो हीट जो बेसिकली एक टेम्परेचर चेंज करने के लिए यूज़ होती है। मतलब कि अगर वाटर है वो इस वक्त 50 डिग्री सेंटीग्रेड पे है और उसको हमें 100 पे लेके जाना है, तो जो हीट यूज़ होगी दैट इज़ कॉल्ड सेंसिबल हीट। और इस वक्त वाटर की जो स्टेट होगी वो लिक्विड है तो वो लिक्विड ही रहेगी, लेकिन अगर स्टेट चेंज हो जाती है तो जो हीट हमें दरकार होगी उसको हम लेटेंट हीट कहेंगे। ये एक नया कॉन्सेप्ट है लेटेंट हीट का। और अगर हम लिक्विड से गैस में लेके जाते हैं तो वो लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन होगी, और अगर हम उसको सॉलिड से लिक्विड में लेके जाते हैं तो वो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन होगी। अच्छा, तो लेटेंट हीट में बेसिकली कोई टेम्परेचर चेंज नहीं होता। इसका फार्मूला है डेल्टा क्यू इज इक्वल्स टू एम एल, ये है लेटेंट हीट और ये है लेटेंट हीट पर यूनिट मास। तो ये एक बॉडी के लिए मखसूस कांस्टेंट होता है और डिपेंड, और जो मास है वो कुछ भी आप रख सकते हैं, तो पर यूनिट मास तो कांस्टेंट ही रहेगा। अब अगर हम पानी फॉर एग्जांपल वाटर 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे, इस वक्त आइस है ये और सॉलिड है, इसको पहले तो 0 डिग्री वाटर पे लेके आना है यानी कि लिक्विड में लेके आना है, उसके बाद इसका हम टेम्परेचर रेज करते हैं 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर और ये अभी भी वाटर लिक्विड है, फिर इसको दोबारा 100 तक लेके जाना है लेकिन स्टीम के तौर पे। तो यहाँ पे जो हीट चेंज है वो सेंसिबल है, यानी कि 0 से लेकर 100 तक, 0 से 0 ये लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन है और 100 से 100 जो स्टीम में कन्वर्ट हुआ है ये लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन है। तो ये बेसिकली कॉन्सेप्ट है सेंसिबल हीट और लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन और लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन का, ये फ़र्क है इन दोनों में। लेटेंट में कोई टेम्परेचर चेंज नहीं होता क्योंकि सारी एनर्जी मॉलिक्यूल्स को अपना तोड़ने में, उनकी उनका डिस्टेंस क्रिएट करने में लग रही होती है, ना कि उसका टेम्परेचर हाई करने में लग रही होती है। इसी तरह वाटर से लिक्विड से स्टीम में करने के वक्त भी यही प्रोसेस हो रहा होता है। फॉर एग्जांपल जो वाटर की लेटेंट हीट है फ्यूजन की, वो अगर हम 3.36 इंटू 10^5 जूल पर केजी है मेरे ख्याल से, और जो लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन है वो मेरे ख्याल से 2.26 इंटू 10^6 है जूल पर केजी। ये कॉन्स्टेंट्स हैं और ये वैल्यूज आप चेक कर सकते हैं, ये नॉन वैल्यूज हैं। अगर हमारे पास एक सवाल आता है फॉर एग्जांपल के हमें 5 मिनट लगते हैं आइस से वाटर बनाने में, जो फॉर एग्जांपल आपके पास 0.5 केजी का एक ब्लॉक है, तो क्या रेट होगा, हीट का रेट क्या होगा, कितने एनर्जी पर सेकंड जो है आप इसको देंगे तो वो 5 मिनट में पूरा आइस वाटर के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। फॉर एग्जांपल सबसे पहले तो हम, क्योंकि हम आइस से वाटर में कन्वर्ट कर रहे हैं, कोई टेम्परेचर चेंज नहीं है, तो हम सबसे पहले फाइंड करेंगे डेल्टा क्यू कितनी एनर्जी बेसिकली लगी। तो मैस हमारा 0.5 है, लेटेंट हीट हमें पता है कि कितनी है आइस से वाटर में कन्वर्ट करने की, दैट इज 3.36 इंटू 10^5, ये आपका एक आंसर आ जाता है यहाँ पे डेल्टा क्यू का। अब डेल्टा क्यू जो भी है, ठीक है, उसको हम डिवाइड करेंगे, डेल्टा क्यू को डिवाइड करेंगे 5 मिनट से, 5 मिनट यानी कि 300 सेकेंड्स, और वो आपका आ गया फॉर 448 फॉर एग्जांपल जाउल्स पर सेकेंड, आप कैलकुलेट करेंगे तो यही आएगा। यानी कि ये रेट है कि हर सेकेंड हम 448 जूल एनर्जी दे रहे हैं आइस से वाटर में कन्वर्ट करने के लिए। अब नेक्स्ट सवाल आ जाता है जी, 0 से लेकर यानी कि वाटर को हमने 100 तक पहुंचाना है। अब ये लेटेंट का कॉन्सेप्ट हो गया ख़त्म, अब हमारे पास कॉन्सेप्ट आ जाता है सेंसिबल हीट का, डेल्टा क्यू इज इक्वल टू एम सी डेल्टा टी। एम हमारा है 0.5, सी कॉन्स्टेंट है 4.18 इसकी वैल्यू होती है हीट कैपेसिटी, पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था। डेल्टा टी हो गया हमारा 100 और 100.5 2.1 और ये 2.09 इंटू 100 और उसके बाद आ जाता है हमारे पास 2
9 आपके पास आंसर आ जाता है किलो जूल्स में। और ये आपका जो बेसिकली आंसर है, ये आपकी एनर्जी है 0 से 100। अगर हमें देखना है कि कितनी देर में 0 से 100 डिग्री तक पहुंचा, तो हमारे पास हीट रेट जो है वो गिवन है कितना, 448 जूल पर सेकेंड। अब मैं इसको जो है 209,000 को डिवाइड करूँगा 448 से, तो आपके पास आंसर आ जाएगा 6 मिनट्स एंड 15 सेकेंड। तो ये अब आपके पास, आपने यूजिंग जो रेट था लेटेंट में, वो रेट हीट यूज़ करके आपने सेंसिबल हीट का रेट मालूम कर लिया कि 6 मिनट 15 सेकेंड में आपका जो टेम्परेचर है वो 0 से 100 तक पहुंच जाएगा। मज़ीद किसी भी लेटेंट हीट या स्पेसिफिक हीट के हवाले से कोई क्वेश्चन, कुछ सवाल हो तो ज़रूर कॉन्सेप्ट सॉल्यूशन से रब्ता करें। थैंक्स फॉर जॉइनिंग कॉन्सेप्ट सॉल्यूशंस। अल्लाह हाफ़िज़।